हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर का 3 और न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स डू इट। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? So, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर है 200 मीटर, ओके? इसको एक राउंड करने में इस एथलीट को कितना टाइम लगता है? 40 seconds, ओके? हमको पूछा गया है कि अगर उसको टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड, राइट? तो ये 140 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाला है, ओके? तो इन दिस केस व्हाट यू विल डू इज पहले तो नंबर ऑफ राउंड निकाल दोगे। कैसे निकलेगा? टोटल टाइम अलॉटेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन राउंड, यानी 140 बाय 40, दैट इज 3.5 आएगा, दैट इज 3.5 राउंड, ओके? सो इसमें नंबर ऑफ राउंड पता चल गए तो कोई टेंशन नहीं है। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो देख लो, That is a circumference, right? Circumference अगर diameter के term में हो तो pi d, radius होगा तो 2 pi r. फिलहाल यहाँ diameter के term में है तो pi d, यानी 22/7 into 200, और ये हो गया एक round में जो distance cover करता है, और into 3.5 करोगे क्योंकि यहाँ पे 3.5 round करता है, okay? So ये solve करके what you will get is that is 2200 meter या फिर 2.2 kilometer is the distance, okay? Displacement में कोई बड़ी बात नहीं है, because देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 3.5 राउंड, यानी कैसे? सो फ्रॉम दिस ए ये एक चक्कर लगाया है ना, वहीं पहुंच गया, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, और फिर 3.5 राउंड बोला, यानी और हाफ राउंड, यानी फिर कहाँ पहुंचेगा? अपोजिट पॉइंट पे, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे, यानी सपोज दैट पॉइंट इज बी, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का सेपरेशन, एंड दैट इज एग्जैक्टली द डायमीटर, एंड द आंसर इज 200 मीटर, फाइन। द सेकेंड क्वेश्चन इज Abdul, while driving to school, computes the average speed of his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What will be the average speed of Abdul's trip? Is second question mein kya diya hua hai? Ghar se school jaane mein wo kitni speed se gaya hai? So that is 20 km per hour. लेकिन जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा था तो ट्रैफिक कम मिली और वो कितने स्पीड से गया, सो दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज निकालना यहाँ पे, सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी डी, इस डिस्टेंस को डी लेते हैं, यानी जाने में भी उतना डिस्टेंस डी और आने में भी वही डिस्टेंस डी, ओके? बट यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है उसके हिसाब से हम और आगे की चीजें देखते हैं। सो वी नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते 20 प्लस 30 बाई 2 नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, वो एवरेज वेलोसिटी का है। एवरेज स्पीड कैसा होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस चलो डी प्लस डी लिख देंगे, बट टोटल टाइम को हम क्या लिखें? T1 और T2 तो अननोन है, सो लेट्स पुट इट फ्रॉम द कंडीशन। तो यहाँ पे घर से स्कूल जाने में जो टाइम लगा, लेट दैट बी T1, क्योंकि स्पीड अलग है, और आने के टाइम पे ऑब्वियसली टाइम सेम नहीं होगा, स्पीड्स आर डिफरेंट, सो लेट दैट बी T2। तो T1 क्या लिख सकते हैं हम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? T1 इज इक्वल टू D अपॉन 20, और आने के लिए T2 हम क्या लिख सकते हैं? D अपॉन 30। अब ये वैल्यूज अगर वहां पुट करी जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम दैट इज डी बाई 20 प्लस डी बाई 30। कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50D/600 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज डिवाइड है, मल्टीप्लाई करोगे तो 600/50D हो जाएगा। सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर, ओके? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन and how much time will it take to return to ground? So, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया है
with a velocity of 5 meter per second, obviously that becomes the initial velocity. और जैसे जैसे अभी स्टोन ऊपर जाएगा, बिकॉज वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, और दिया भी है कि इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मोशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. अपोजिट डायरेक्शन में जब भी एक्सेलरेशन होगा मोशन के, तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखते हैं. सो दिस विल बी 10 दिया है, माइनस 10 लिखेंगे ए. यू तो भाई 5 मीटर पर सेकेंड दिया ही है, ओके. और जैसे जैसे अब ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन उसको नीचे खींच रहा है, उसके लिए उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द स्पीड बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड. सो वी फाइनल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ पे हमको हाइट निकालनी है, कितनी हाइट तक वो गया, और ऊपर जाके आने में टोटल टाइम क्या लगा है वो निकालना है. तो पहले हम ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, बिकॉज कोई भी चीज़ को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है बिल्कुल उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है. तो एक साइड का टाइम निकाल लिया, इंटू टू कर देंगे, दैट विल बी द टोटल टाइम. ओके, तो पहले वाले में मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट में बताया था कैसे हमको फॉर्मूला सिलेक्ट करने होते हैं. ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चीज़ को देख लीजिए. ओके, सो द इन फर्स्ट केस जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फॉर्मूला यूज विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस. सॉल्व करेंगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20s, माइनस माइनस कैंसल, 25 बाई 20 हो जाएगा s, एंड दैट विल बी 1.25 मीटर. एंड फॉर टाइम कैसे निकालेंगे, यस v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 10 इंटू t, ठीक है. तो यहाँ पे माइनस 10t इधर आ जाएगा, 10t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 बाई 10, दैट इज 0.5 सेकेंड. जाने में 0.5 सेकेंड, इंटू कर दो अगर हमको टोटल टाइम निकालना है, तो 0.5 एंड 0.5, दैट इज 1 सेकेंड इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच बैक टू द ग्राउंड, ठीक है. होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट तो लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं विच इज ऑब्वियसली फ्री, ठीक है, तो आप लोगों को जो भी मैं वीडियोस यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ वो नोटिफिकेशन की फॉर्म में जाएगा, और आप जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ उसको उसी टाइम पे देख पाओगे. बाय दिस आई क्लोज माई लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.